गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा 12th में पहला चैप्टर चल रहा है फंक्शन एंड रिलेशन। फलनों का संयोजन के बारे में हम पहले डेफिनेशन और उसके फंडामेंटल्स बता चुके हैं। आज हम फलनों के संयोजन पर कुछ एक्सरसाइज या क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बच्चे इससे थोड़ा प्रैक्टिस करें और इसी को देख करके आगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और करने की कोशिश करें। सबसे पहले फिर से देखेंगे कि फलनों का संयोजन क्या होता है। फलनों का तो हम यहाँ देखते हैं कि तीन सेट दिए हुए हैं। यहाँ ए सेट है और जो दूसरा सेट है बी और तीसरा सेट है सी। तो ए सेट में अभी हमने एक अवयव एक्स लिया, उस पर फंक्शन एफ हमने आरोपित किया, तो आउटपुट क्या मिलेगा? बी का अवयव मिलेगा एफ एक्स। और एफ एक्स पर हमने एक अलग फंक्शन जी आउटपुट किया, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा? जी एफ एक्स। तो यह जी एफ एक्स किसका अवयव है? सी का। यदि हम ए पर ए के अवयव एक्स पर जी ओ एफ फंक्शन को हम आरोपित करते हैं तो हमको डायरेक्ट जी एफ एक्स मिलेगा। तो यह जो फंक्शन का क्या कहलाएगा? जी ओ एफ फंक्शन का संयोजन कहलाएगा। तो फंक्शन का संयोजन के कैलकुलेशन कैसे करना है ये आप लोगों को दिखाता हूँ। अब बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल को यहाँ देखेंगे। यह क्वेश्चन है, आपको इसमें जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना है। तो यहाँ देखें कि एफ एक्स डिफाइन किया गया है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स और जी एक्स बराबर डिफाइन किया गया है थ्री एक्स स्क्वायर। तो हमको जी ओ एफ और एफ ओ जी ज्ञात करना है। तो जी ओ एफ एक्स पल कितना हो जाएगा? जी एफ एक्स। और एफ एक्स किसके बराबर दिया हुआ है? कॉस एक्स के। तो यहां जी एफ एक्स बराबर रख देंगे कॉस एक्स। और जी एक्स, जी एक्स बराबर क्या डिफाइन किया गया? थ्री एक्स स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा थ्री और एक्स के स्थान पर लिखा हुआ है कॉस एक्स, यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां पर जी ओ एफ एक्स का मान आ जाएगा थ्री कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम देखते हैं एफ ओ जी एक्स, इसको ज्ञात करते हैं। यह बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एफ जी एक्स। एफ जी एस क्या डिफाइन किया गया है? यहां देखो बच्चों, जी एस क्या डिफाइन किया गया? थ्री एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि एफ एस क्या डिफाइन किया गया है? कॉस एक्स, यहां आ जाएगा कॉस और x के स्थान पर थ्री एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर। तो यह कॉस थ्री एक्स स्क्वायर है और हमको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है जी ओ एफ बराबर नहीं है एफ ओ जी। इन दोनों के मान अलग अलग आते हैं, इसलिए इस दोनों के मान बराबर नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन है, इसमें हमको यह डिफाइन करना है कि यदि एफ फंक्शन और जी फंक्शन एक एक यानी वन वन है, तो हमको यह दिखाना है कि जी ओ एफ फंक्शन भी वन वन है। तो यहां पर एफ फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है, जी फंक्शन बी से सी में डिफाइंड है, और हमको यह ए है, यह है बी है और यह सेट जो है सी है। इसका हमने एक एक्स लिया, इस पर एफ आरोपित किया, हमको मिला एफ एक्स। एफ एक्स को हम मान लेते हैं वाई और इस पर हमने जी फंक्शन आरोपित किया, तो हमको क्या मिल जाएगा? जी वाई। जी वाई को हम बोल देंगे जेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सी का अवयव लेके चलते हैं। तो जी ओ एफ एक्स वन बराबर जी ओ एफ एक्स टू। ठीक है, अब हम
सॉरी इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। तो चूंकि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसका मान हो जाएगा जी एफ एक्स वन और इसका मान हो जाएगा जी एफ एक्स टू। अब हमको पता है कि एफ जो है वन वन है, तो एफ यदि वन वन है तो एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू लेके चलते हैं, तो एक्स वन बराबर एक्स टू होगा, तो यह कितना हो जाएगा, यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है तो क्या होगा, एक्स वन बराबर एक्स टू। कारण क्या है कि एफ जो है एक एक दिया हुआ है, तो ये इसका मान हो जाएगा जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू। अब चूंकि जी भी एक एक है इसलिए एक्स वन बराबर एक्स टू, यहां कारण क्या लिखेंगे, जी एक एक फलन है। तो हम ये देखते हैं कि जी एफ एक्स वन बराबर जी एफ एक्स टू लेके चलते हैं और दिखा देते हैं एक्स वन बराबर एक्स टू। इसका मतलब यह है कि यह फंक्शन जो है जी ओ एफ एक एक फंक्शन है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एफ ओ जी फंक्शन आच्छादक यानी आंटू दिया हुआ है और हमको दिखाना है कि कंपोजिट फंक्शन जी ओ एफ भी आच्छादक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन है यदि जेड बिलोंग्स टू सी तब एक अवयव वाई बिलोंग करेगा बी में इस प्रकार है कि जी वाई बराबर जेड। कारण क्या है इसका कि चूंकि जी फलन जो है आच्छादक है, अब हम देखते हैं कि चूंकि वाई किस में अवयव है, बी में, तो एक अवयव एक्स किस में होगा, ए में। इस प्रकार है कि एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स बराबर वाई। तो हम ये देखते हैं कि हेंस जी ओ एफ एक्स बराबर जी एफ एक्स किसके बराबर, वाई के, और जी वाई किसके बराबर है, जेड के, और जेड किसका अवयव है, सी का। तो इसका मतलब जो होता है कि हम यदि जेड सी का अवयव लेके चल रहे हैं और ए का अवयव एक्स ए में इस प्रकार है कि जी ओ एफ एक्स बराबर जेड, तो यह इसका मतलब जो हो जाएगा कि यह फंक्शन जो है जी ओ एफ आच्छादक है। तो बच्चों को समझ में आ गया कि अच्छा तक कैसे शो करना है, इसको नोट कर लें। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में देखेंगे। तो यहां बच्चे देखें कि हमने यहां एक चित्र दिया है,
यहाँ पर एक दो समुच्चय दी है, एक समुच्चय ए है और ये दूसरा समुच्चय बी है। तो समुच्चय ए का एक अवयव लेके चल रहा एक्स, इस पर हमने फलन एफ आरोपित किया तो हमको क्या मिला एफ एक्स। और एफ एक्स पर, एफ एक्स को यदि हम मान लेते हैं वाई, और वाई पर हमने एफ इनवर्स आरोपित किया तो हमको क्या मिलेगा एक्स। तो यहां देखते हैं एफ एक्स बराबर बराबर वाई, तो एफ इनवर्स वाई बराबर कितना एक्स। तो आपको दिख रहा है कि ये एक रिवर्स में चलता है, यानी एफ फलन जो है ए से बी के बीच में कार्य करता है और इनवर्स फंक्शन बी से ए में काम करता है। यानी कि यहाँ देखो जरा बच्चों कि एफ फलन जो है इसका डोमेन क्या है ए, और रेंज फंक्शन क्या है बी, और एफ इनवर्स फंक्शन जो है किससे बीच में काम करेगा बी से ए के बीच में, रिवर्स में काम करता है। तो दोनों में अंतर समझ गए। अब हम इसके संबंधित कुछ हम एग्जाम्पल करते हैं। अब हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम फलन के लिए हमको यहां दिया है एफ एक्स बराबर 4x+3, इसको हम मान लेते हैं वाई, और ये किसका अवयव होगा वाई, वाई का, कैपिटल वाई का, ठीक है। इसलिए क्योंकि फंक्शन एफ किसके बीच में डिफाइन किया है एन से वाई के बीच में। तो हम सॉल्व करते हैं 4x+3=y, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई माइनस 3/4। तो हमको एफ इनवर्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा x होता है, और x का मान कितना होता है y माइनस 3/4। तो इसलिए हमने जो इनवर्स फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, परिभाषित होगा f इनवर्स y बराबर y माइनस 3/4। और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, y के स्थान पर x करिए या a करिए b करिए, या इसका इनवर्स फंक्शन इसमें परिभाषित हो जाता है। ये बच्चों एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.3, इसको सभी बच्चों को सॉल्व करके हमको ग्रुप में चेक कराएंगे। ओके।